नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे चैनल इट्स पॉसिबल पर। दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता है कि अभी एमपीपीएससी ने 2019 के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी किया था और उसी के साथ साथ इन्होंने अभी ये कैलेंडर भी आपके लिए जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अभी भारी डिमांड पर जो पिछली बार हमने आपको नोटिफिकेशन की जानकारी दी थी कि क्या क्या इसके अंदर नए नए परिवर्तन आए हैं और एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायर रहेगी और किस प्रकार से आप इसके एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली बार जो 2018 की वैकेंसी आई थी उसके फॉर्म की पूरी जानकारी हमने आपको दी थी। इस बार से अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों कि वहां पर जो हमने आपको जानकारी दी थी कि किस प्रकार से आप यह एग्जाम के फॉर्म भरेंगे और किस प्रकार आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यह जो एक वीडियो हमने यहाँ डाला था कि घर बैठे एमपीपीएससी फॉर्म भरने या फोटो कैसे एडिट होगा, तो यहाँ से आप फोटो एडिट की प्रोसेस को देख सकेंगे। और यहाँ पर आप एक और वीडियो जो हमने लास्ट टाइम डाला था उसमें बताया था कि 2018 का आवेदन कैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से अगर बात करी जाए तो इस प्रकार यहाँ पर 2019 का जो फॉर्म दोस्तों है इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं। और कुछ चेंजेस की अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले जो वीडियो में हम आपको बता चुके थे नोटिफिकेशन वाले वीडियो में कि जो आपका इस बार का फॉर्म आया है उसके अंदर एक तो इन्होंने रोजगार का जो पंजीयन है उसकी जानकारी इसके अंदर आपकी मांगी है कि जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। तो यह एक इसके अंदर एक फॉर्म के अंदर एक नया पॉइंट देखने को आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें कि यह फॉर्म हमको अगर भरना है, घर बैठे आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो जानते हैं कि हम यह प्रोसेस किस प्रकार से होती है। चलिए दोस्तों, यह ओपन हो गया है आपके सामने राज्य सेवा परीक्षा 2019 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2019 दोनों का, जो कि एक ही फॉर्म है। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर जाते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है आवेदित परीक्षा का नाम। तो दोस्तों, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप अगर सिर्फ राज्य सेवा परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं तो आप राज्य सेवा दीजिए। आपको अगर फॉरेस्ट भी देनी है तो आप यहाँ पर दोनों पर ही क्लिक करें, यानी बोस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2019 और आपकी फॉरेस्ट सर्विस, दोनों की फीस एक ही है तो इसके अंदर आपको कोई ऐसी दिक्कतें नहीं होगी। स्नातक उपाधि की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी आपकी स्नातक उपाधि क्या है। यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हम यहाँ पर डाल देते हैं। नाम के लिए यहाँ पर जाते हैं तो दोस्तों हम हमारा यहाँ पर जो नाम है उसको यहाँ पर टाइप कर देते हैं। कैप्स लॉक ऑन कर आप इस फॉर्म को भरें ताकि आपका सारा फॉर्म आपका कैपिटल में चल सके। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मध्यम नाम की बात आ रही है, अगर मिडिल नेम आप लगाते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मध्य का नाम, और नहीं आता है आपको तो आप सीधे यहाँ पर आपका लिख सकते हैं सरनेम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सरनेम लिख लें, उसके बाद में आपका जो जेंडर पूछा जाता है मेल फीमेल जो भी हो आप इसको हमको यहाँ से डाल लें। उसके बाद में दोस्तों जाते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ पर, तो डेट ऑफ बर्थ को आप सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले दोस्तों मंथ को सिलेक्ट करें। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप करेंगे ईयर को सिलेक्ट, और ईयर पर आप जैसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट को चॉइस करना है। आप सीधे जाइए यहाँ पर आपकी डेट को चॉइस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी आप जन्मतिथि डाल लेंगे और आपको यहाँ पर आयु की गणना हो जाएगी कि आप कितने साल के हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं, यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ लोगों को मिनिमम एज और मैक्सिमम एज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग भर पाएंगे कि नहीं, तो इसलिए यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर नाम डालना है आपके पिताजी का। तो दोस्तों आप आपके पिताजी का नाम यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपके फादर का नाम आप डाल सकते हैं और यहाँ पर आपके मदर का नाम डाल सकते हैं। जो मार्कशीट में दोस्तों डाला हो 10th के मार्कशीट में उसी प्रकार से डालें। सरनेम लिखा हो तो सरनेम डालें, नहीं लिखा हो तो आप सरनेम नहीं लिखें इसमें माता पिता के नाम के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों यह यहाँ से अगर आप आपके फादर और मदर नेम को यहाँ से आप डाल लें, और आगे जो सेकंड यहाँ पर आपको जो मिल रहा है इसका पार्ट जिसको हम कहेंगे कि इसके अंदर विवाह से संबंधित आपको विवरण देना है, आप अगर विवाहित है तो उसको हाँ करें, और आप हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके स्पाउस वगैरह के नाम, जीवित बच्चों की संख्या, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको डालनी पड़ेगी। आप अविवाहित है तो यहाँ पर नो कर दें तो सारे आपके ऑप्शन आगे आपके ब्लॉक हो जाएंगे। अब दोस्तों तीसरे पे बढ़ते हैं, यहाँ पर है आपकी मूल सूचना का विवरण। तो इसमें आपको दोस्तों जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं जिनके लिए आपको पता है कि आपका जो पंजीयन है वह आपका कंपलसरी कर दिया है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको बताना होगा कि कौन से जिले से आपका यहाँ पर पंजीयन है। तो दोस्तों यहाँ से आप आपके जिले को आप चॉइस कर लें, उसके बाद में दोस्तों आपका जो पंजीयन क्रमांक है आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे उस
के साथ में आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक रखें कि बिल्कुल आपका पंजीयन क्रमांक आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। अब पंजीयन जारीकर्ता के जो आपकी दिनांक थी दोस्तों, उसको आप यहाँ से चॉइस कर लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया जिस प्रकार से कि आप मंथ को चॉइस करेंगे, उसके बाद में दोस्तों आपके जिस भी ईयर में आपने पंजीयन करवा रखा होगा उस ईयर को चॉइस करें, और उसके बाद में आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ये पंजीयन की सब डिटेल आ जाएगी। अगला दिया है यहाँ पर दोस्तों आपको कि क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो दोस्तों हाँ यहाँ पर आप यस या नो का जो ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली आप एमपी के अगर रहने वाले तो यस करें, और आउट ऑफ स्टेट के जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी, वह यहाँ पर भी नो करें, और ऊपर भी आपको नो करेंगे तो आपके लिए आवश्यकता नहीं रहेगी। श्रेणी के अंदर अगर दोस्तों अगर हम चाहते हैं तो आपकी जो भी श्रेणी रह रही है, अगर ओबीसी एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं तो यहाँ पर उसका विवरण दे दें। क्रीमी लेयर वगैरह का ऑप्शन ओबीसी वालों के लिए रहेगा। यहाँ पर दिव्यांगता के विवरण के लिए अगर जाते हैं तो आप लोग अगर दिव्यांग है तो आपको यह जो डिटेल इसकी यह भरनी होगी, और अगर आप नहीं है तो यहाँ पर आप नो करें, अगले ऑप्शन पर जाएं। अन्य विवरण की बात करें तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि क्रिमिनल से रिकॉर्डेड आपका कुछ अगर रिकॉर्ड है तो आप इसकी जानकारी दें, नहीं है तो आप इस पर नो करें और आप आगे बढ़ें, ठीक है दोस्तों। और ये सब डिटेल आप देने के बाद में हम जो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों उस पर जाते हैं, वो रहेगा भूतपूर्व सैनिक का विवरण। जो भूतपूर्व सैनिक रहते हैं उन लोगों के लिए भी एलिजिबिलिटी रहती है इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए, आप हैं तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें। आगे दोस्तों इसमें बढ़ते हैं कि आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप छूट, जो कि विक्रम अवार्डी होते हैं, अंतर्विभाग जाति अंतर्गत जो पुरस्कार होते हैं, अनुसूचित जाति वगैरह जो भी रहते हैं, तो इसके अंदर अगर आपको छूट मिलती है तो यहाँ पर यस करें, और उसकी डिटेल यहाँ पर आपकी उसके अंतर्गत हो जाएगी। यह जो अगला कॉलम आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण, तो अगर आप स्नातक हैं तो आप यहाँ पर यस करें, आप नहीं है तो यहाँ पर नो करें, और अगर आप नो करेंगे दोस्तों तो आपको बताना होगा कि क्या आप स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर जो आपने लास्ट जो भी क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी होगी, भले आपकी हायर सेकेंडरी होगी या आपका डिप्लोमा होगा, तो उसका आपको उत्तीर्ण वर्ष लिखना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम हमारे आवेदक का स्नातक को यस करके दोस्तों नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाए आपकी 10th 12th और आपने जो डिग्री हासिल कर रखी है उसका विवरण। तो दोस्तों यहाँ के अगर बात करें तो फर्स्ट वाला जो है हाई स्कूल 10th, यहाँ पर आप उसकी लिख दें, यहाँ पर सबको लिख दें कि यह आपने 10th आपको लिखना पड़ेगा कि उत्तीर्ण परीक्षा आपने कौन सी करी है। प्रणाली के अंदर आप जाएंगे तो आपका अगर ग्रेडिंग सिस्टम रहा हो या आपका डिविजन रहा हो तो आप यहाँ पर उस पर क्लिक करें। सब्जेक्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा ऑल, काफी लोगों को कन्फ्यूजन चल रहा है 10th में सब्जेक्ट क्या डालें। पूर्णांक की दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर, तो जो भी आपका पूर्णांक रहा हो आप उसको यहाँ पर डालें, और उसके बाद में आगे के और डिटेल की अगर दोस्तों हम बात करें तो जितने आपके नंबर आए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी आप डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब डिवीजन के अंदर आप जाएंगे, आपका जो भी डिवीजन रहा वो आप डालेंगे। अब आपने कहाँ से करा है दोस्तों उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने एमपी बोर्ड से करा या सीबीएसई से करा है, उसकी डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पर आपको दोस्तों आपका उत्तीर्ण वर्ष भी डालना होगा कि आपने यह डिग्री कब हासिल करी, तो दोस्तों आप यहाँ पर उसका उत्तीर्ण वर्ष भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिर रोल नंबर डालना होगा, फिर आपका जो भी 10वीं का रोल नंबर रहा हो आप उसको यहाँ पर डाल दें, और फिर आता है आपका हायर सेकेंडरी की डिटेल। दोस्तों हायर सेकेंडरी की डिटेल के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे 12th, तो यहाँ पर हम जिससे कराया उसकी डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम डालेंगे कि हमने पीसीएम से कराया तो पीसीएम यहाँ पर डालेंगे। पूर्णांक जो आपके इसके थे उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्राप्तांक जो आपको प्राप्त हुए थे दोस्तों उसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है, प्रतिशत अपने आप आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन आपको दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका रहा होगा आपको लिखना होगा यहाँ पर, और फिर अगर आपने एमपी बोर्ड या सीबीएसई से कराया तो उसकी जानकारी को आपको यहाँ पर डालना होगा दोस्तों। कौन सी ईयर में आपने ऐसा पास करा था दोस्तों उसकी ईयर की भी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी, और उसके बाद में दोस्तों आपका आता है यहाँ पर स्नातक की जानकारी। दोस्तों स्नातक की जानकारी के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर आपने अगर बी कर रखा तो आप बी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि आपने सीजीपीए में कराया, ग्रेडिंग में कराया, तो उसके लिए आप यहाँ पर अगर डिवीजन में कराया तो डिवीजन का लिखें, और साथ ही यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि आपने किस स्ट्रीम्स के अंदर आपकी ग्रेजुएशन कर रखा है। अब दोस्तों उसके अंदर आपकी जो डिटेल आएगी उसको आप यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर आप इसके प्रतिशत पर जाएंगे। प्रतिशत के लिए ऑटोमेटिक इसके प्रतिशत ले लेगा। यहाँ पर आपने जो आपका डिवीजन आया उसकी जानकारी यहाँ पर डालें, और साथ ही आपने कौन से बोर्ड वगैरह से आपकी डिग्री वगैरह करी है उसकी जानकारी यहाँ पर आप लिखेंगे। उत्तीर्ण वर्ष के बारे में आप लिखेंगे कि आपने यह कब कम्प्लीट करा था दोस्तों, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी कि यह आपने कब कम्प्लीट करा था दोस्तों। तो यहाँ पर फिर हम जाएंगे सीधे रोल नंबर की बात करेंगे। रोल नंबर के लिए आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आपकी
जो भी ब्रांच वगैरह रही हो उसके साथ, सॉरी जो आपका रोल नंबर वगैरह रहा दोस्तों, आपको उसकी डिटेल डालनी है यहाँ पर। और डिटेल डालने के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे जो यहाँ पर पूछा गया है उसमें बताया गया है कि ग्रेड या सीजीपी के संदर्भ में आपने जो प्रतिशत वगैरह अंकित करे हैं उसके लिए आप ही पूर्णदायी है, तो इस पर यहाँ पर आप उसके लिए क्लिक कर लें। सेवा का निर्धारण की बात करें दोस्तों, अगर आप अगर जॉब में थे तो आप आपके एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर आपकी डिटेल डाल सकते थे। और नीचे के लिए अगर हम जाएंगे तो पत्राचार का जो आपका जो भी एड्रेस वगैरह है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर आपको जानकारी देनी है कि आपका जो वर्तमान पते का प्रकार है। स्पेशली दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो पते के बारे में पूछा गया है तो आपको नोटिफिकेशन जो जानकारी थी कि आपका घर जिला है, आपका घर संभाग है, आपका जो भी घर एरिया रहेगा वहीं पर आपका सेंटर आएगा, तो आप यह डिटेल बिल्कुल ढंग से भरें। अगर आप आउट में कहीं रहते हैं तो जिस प्रकार से लोग कहीं ग्रामीण क्षेत्र के शहरों में निवास करते हैं, अगर वो रेंट वगैरह से ले रहे हैं तो उसकी जानकारी दे दें तो आपके शहर में आपका सेंटर आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम हमारे रेंटेड हाउस की जानकारी यहाँ पर हम हमारे दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान पते की स्कैन की कॉपी को संलग्न करना है, तो दोस्तों मेरा एड्रेस है इसी अपने इसी निवास स्थान का है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी जो आधार कार्ड की डिटेल थी दोस्तों उसको मैं यहाँ पर आपकी डाल लूंगा। तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर पहले से ही बना के रख रखा है दोस्तों, तो उसके अंदर यहाँ पर मैं अपने आधार को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा आधार यहाँ पर अपलोड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अपने घर का एड्रेस डाल देता हूँ, और यहाँ पर हम अपने घर का एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको हमारा जिला बताना होगा कि हमारा जिला कौन सा है, और यहाँ पर हम हमारे जिले की जानकारी देंगे, और उसके बाद में ही हम हमारा पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। राज्य आपका मध्य प्रदेश है और वर्तमान का पता आपका सेम है दोस्तों। अब इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो आपको मिलेगा यह ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंतर्गत आपको दिखाया गया है कि आपको यहाँ पर फोटो को अपलोड करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो हमने एक वीडियो डाला था कि आप फोटो को एडिट कैसे करें, तो इस वीडियो के अंतर्गत जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाउ टू एडिट पासपोर्ट पिक फॉर MPPSC, यहाँ मैंने 2018 का डाला था दोस्तों, तो उसके अंतर्गत आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से PSC के लिए जो हम फोटो को अपलोड कर रहे हैं उसको हम किस प्रकार से एडिट करें पेंट में जाके। तो वापस आते हैं दोस्तों फॉर्म के ऊपर, यहाँ पर पहले से मैंने एडिट करके रख रखा है, तो मैं अपलोड पिक पर जाऊँगा। यहाँ से फोटो अपलोड आपको चूज फाइल दिख रहा है, यहाँ से मैं फोटो को चॉइस करूँगा। अब दोस्तों यहाँ से फोटो का हम चॉइस करते हैं, यहाँ से आपको क्रॉप वगैरह करने का ऑप्शन आ गया है दोस्तों। कुछ प्राइवेसी के कारण इस फोटो का आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है, एक्चुअली इसको सही अपलोड किया गया है, इस प्रकार के ब्लर फोटो को अपलोड ना करें, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए फोटो ठीक ब्लर में दिख रहा है, आपको क्लियर फोटो और क्लियर साइन आपके उसके अंदर दिखनी चाहिए। आपका अगर ये बाद में क्रॉप हो जाता है दोस्तों तो उसके बाद में आप देख लेंगे हाँ मेरा फोटो यहाँ पर मुझे सही उचित स्थान पर दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। मुझे अपना हस्ताक्षर भी सही स्थान पर दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। और फिर दोस्तों हम जाते हैं हमारी यहाँ की ऊपर की डिटेल और रह गई थी जो कि थी हमारी जानकारी, आपको देखने को अगर मिलेगी। अगर आपने दोस्तों अगर ST SC या अगर OBC वगैरह से भरा है और आप अगर भत्ते वगैरह के लिए पात्र हैं तो यहाँ पर आपको एक बैंक डिटेल की जानकारी आसपास में देखने को मिलेगी, उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। आपकी जो बैंक की पासबुक है दोस्तों उसको यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है, यानी फ्रंट पेज को आपको स्कैन करके अपलोड करना है। कहीं आसानी से दोस्तों आजकल आप इसे KV-WAVY में सब कन्वर्ट कर आप उसको स्कैन करके डाल सकते हैं, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको आपका एड्रेस डालना और मोबाइल नंबर डालना होगा दोस्तों, जो आपका मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर आप डाल दें। उसके बाद जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके डिटेल के लिए, तो ईमेल आईडी जो आपकी रही हो दोस्तों उसको आपको यहाँ पर डालना है, और ईमेल आईडी नॉर्मली सब लोग जो जीमेल में रखते हैं तो आप उसकी जीमेल की आईडी यहाँ पर डाल दें। फिर आपको देखेंगे लास्ट में आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर एक घोषणा पत्र, घोषणा पत्र के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, तो इसके अंदर आप इस पर क्लिक करके बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ सारी कंडीशन मुझे मान्य है। उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पर, यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर डिटेल्स। दोस्तों इसको एक बार आप वो डिटेल चेक करना चाहें तो कर लें, इसमें आपको कोई अगर त्रुटि हो तो आपको सुधार लें, उसके बाद आप इस पर ओके कर सकते हैं। आप इसको ओके कर लेंगे तो आपकी पूरी डिटेल एक बार आपसे चेक करवा लेगा, उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर लें। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आपको सेंटर के बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है, तो आपके सेंटर की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उसको जाकर आप यहाँ पर सबमिट कर लें। और आप अगर देखेंगे तो दोस्तों सबमिट करने के पहले आपको नीचे बता दिया गया है कि मध्य प्रदेश के जो आपके मूल निवासी हैं उनके लिए
जो आपके वर्तमान पते का जिला है वो आपका प्रथम आवंटन रहेगा, दूसरी वाला आपका जो रहेगा आपका संभाग का मुख्यालय, और फिर आपके स्थायी पते का जिला और यह। तो चार प्रकार के ऑप्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पर सेंटर में फॉर्म भरने में। किसी लोगों को इस प्रकार के ऑप्शन का चयन करना हो तो वह कर सकता है। अब इसके अंदर आपको बताया गया है कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी के अलावा जो बाहर के मूल निवासी हैं उनको परीक्षा केवल दो संभागीय मुख्यालय का चयन कर सकेंगे। दो संभाग का वो चयन कर सकते हैं पूरे एमपी में से जहां पर उनको एग्जाम देनी हो। गुजरात निकटतम लोगों की बात करें तो उनके लिए उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग नज़दीक पड़ता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश वगैरह के लोग रहते हैं उनके लिए इधर की ग्वालियर वगैरह जो संभाग वगैरह रहते हैं दोस्तों वो उनके नज़दीक पड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वह अपने हिसाब से अपने जो भी आपको ट्रेवल वगैरह के लिए आपको सहूलियत हासिल हो वह लोग उस सेंटर का चयन करें। अब यहाँ पर दोस्तों हम सीधे सबमिट करते हैं इसको, और जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक बार पूरी डिटेल दिखा दी जाएगी कि आपका भुगतान हुआ है कि नहीं है। एक बार इसको पूरा आप अच्छे से चेक कर लें दोस्तों, और उसके बाद में फिर आप जाएंगे यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर। तो दोस्तों प्रोसीड टू पेमेंट पर आप जाएंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें, आपके लिए सबसे अच्छा आसान उपाय रहेगा दोस्तों यहाँ पर कि डेबिट कार्ड से हम इसका पेमेंट कर देते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे तो उसके लिए कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं लग रही है दोस्तों, यहाँ से आप देख लें और डेबिट कार्ड से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो यूपीआई से भी कर सकते हैं, आजकल यूपीआई काफ़ी चल रहा है तो उसके थ्रू आप जाकर यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी सहूलियत हो उसके अनुसार आप इसके अंदर पेमेंट वगैरह कर यह फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में आप उसको जो प्रिंट मिलेगा उसको आप प्रिंट को निकाल कर रख लें, और जो आपका प्रिंट आ जाएगा उसको संभाल कर रखें दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपका रहता है वह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसे मैसेज वगैरह तो आ ही जाते हैं, ईमेल आ जाती है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह था 2019 का फॉर्म किस प्रकार भरें उसके लिए आपका वीडियो। तो इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।